सुप्रभात डियर मित्रों, लायगर अहमदाबादी में एक बार फिर से आपका स्वागत है और आज हम आ चुके हैं अहमदाबाद के फ्लावर शो में। चलिए तो देखते हैं, आप लोग देख सकते हो जिस तरीके से हमने एंट्री ले ली है, आप लोग देख सकते हो फर्स्ट डे में यहाँ पे कितना क्राउड है। अभी सीएम साहब गए यहाँ पे ओपनिंग करके और यहाँ पे टोटल 4 गेट है, गेट नंबर 1 और गेट नंबर 4 से आप लोगों का एंट्री होगा। यहाँ पे जो टिकट का चार्ज है वो सैटरडे संडे के लिए 75 रुपीज़ है और अगर आप 12 साल से नीचे हैं तो आपका कोई टिकट नहीं है। अगर आप ऑनलाइन बुकिंग करना चाहते हैं तो आप लोगों को एप्लीकेशन स्क्रीन पे दिखेगी, ठीक है मित्रों। अगर फ्लावर शो की हम अगर डेट की बात करें तो 30 दिसंबर से लेके 15 जनवरी तक ये चालू रहने वाला है और इसका जो टाइमिंग की हम बात करेंगे तो सुबह 9 बजे से लेके रात को 9 बजे तक इसका एंट्री का टाइम है। मित्रों जिस तरह से आप देख सकते हैं हम लोग एंटर हो चुके हैं और वहाँ पे लिखा हुआ है वाइब्रेंट अहमदाबाद फ्लावर शो और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए आप लोग कितने महंगे महंगे और कितने अच्छे फूल लगाए हैं। मुझे तो लगता है अहमदाबाद के और पूरे गुजरात के सारे फ्लावर्स यहाँ आ चुके हैं। दोस्तों चलिए जल्दी जल्दी अंदर चलते और मजा करते हैं, मुझे लगता है कि अंदर और काफ़ी एक्साइटमेंट होगी। चलिए आ जाइए। इस तरीके से आप देख सकते हो हम लोग एंटर हुए हैं और राइट साइड पे मुझे गर्व हुआ है, माय सिटी माय प्राइड, बहुत ही सुंदर फ्लावर से लिखा हुआ है यहाँ पे। और उस तरफ नजर मारे हैं तो उस तरफ लिखा हुआ है वाइब्रेंट गुजरात फ्लावर से। मित्रों जिस तरीके से आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे फ्लावर का एलिफेंट बनाया हुआ है बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए और इस तरफ देखें आप उधर वाइब्रेंट गुजरात 2024 का लोगो लगा हुआ है जो होने वाला है गांधीनगर में। वो थोड़ा आगे चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ वहाँ पे स्टेच्यू ऑफ यूनिटी भी बनाया हुआ है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं वहाँ पे लोहा पुरुष। डियर मित्रों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे स्टेच्यू ऑफ यूनिटी बना हुआ है, फ्लावर से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा बनाई गई है फ्लावर से यहाँ पे। मित्रों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ओलंपिक्स का भी लोगो लगाया हुआ है। मुझे तो लगता है यहाँ पे फ्लावर्स का इन लोगों ने एक म्यूजियम टाइप का बना दिया लगता है, सारी दुनिया से मतलब तरह तरह की चीज़ें जो फेमस हैं तो मुझे लगता है कि वो चीज़ें यहाँ पर फ्लावर की बनाई गई हैं। आइए और कुछ हम देखते हैं। आप लोग देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे फ्लावर्स का बटरफ्लाई बनाया गया है। मुझे तो ये बहुत ही ज्यादा यूनिक लग रहा है और तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कम से कम कुछ नहीं करके पूरे फ्लावर शो में 30 लाख से 40 लाख फ्लावर्स यूज हुए होंगे। और यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश के तो फ्लावर हैं ही पर सरकार ने लगता है अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने लगता है विदेश से भी फ्लावर मंगाए। और अब इधर चलते हैं, इधर मैं आपको बता दूँ तो यहाँ पे हमारे देश का प्राइड हमारा अशोक स्तंभ लगाया गया है यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं। मैं तो बोलता हूँ दोस्तों कि एक बार आप भी आइए, 75 रुपीस खर्चा कीजिए और फ्लावर शो एंजॉय कीजिए, बहुत ही मेहनत की है यहाँ पे हमारे अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। मित्रों चलिए मैं अब आप लोगों को ले चलता हूँ एक ऐसे एरिया में जहाँ पे बच्चों के लिए मतलब चिल्ड्रंस के लिए काफ़ी बहुत ही अच्छी चीज़ें बनाई गई हैं यहाँ पे फ्लावर से। आइए यहाँ पे देखते हैं, देखिए रेबिट है, मिक्की माउस है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मिक्की माउस है और वहाँ पे टॉम एंड जेरी है और वहाँ पे पिकाचू है, ये स्पेशली बच्चों के लिए बनाया गया है। आप लोग भी अपने बच्चों को लेके आइए यहाँ पे और एंजॉय कीजिए, देखिए टॉम एंड जेरी और ये है अपना पिकाचू। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ यहाँ पे चंद्रयान 3 भी बनाया है, देखिए जो सेफली लैंड हुआ था चंद्र पे, आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा सा बनाया है यहाँ पे चंद्रयान 3। आप लोग फ्लावर शो में आए हो, आप लोगों को अगर भूख लग रही है तो यहाँ पे अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से खाने पीने बाजार भी है। बट एक बात और फिर से मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, एक मैसेज फिर से देना चाहूँगा कि अगर आप लोग फ्लावर शो में घूमने आ रहे हैं आपका जो भी वेस्ट है प्लीज़ 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 मेहरबानी करके आप लोग कचरा डस्टबिन में डालिए। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे यूनिकॉर्न बनाया गया है, ये यूनिकॉर्न है 1 2 3 4 5 6 6 यूनिकॉर्न बनाए गए हैं बच्चों के लिए ताकि बच्चे यहाँ पे आए तो उनको थोड़ा बोरिंग ना लगे, उनको अच्छा लगे।
यहाँ पे फ्लावर रिलेटेड कुछ भी चीजें खरीदनी हो तो अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से यहाँ पे उसके भी स्टॉल लगाए गए हुए हैं। आप देख सकते हो, आपको गमला भी मिल जाएगा, आपको बीज भी मिल जाएंगे, यहाँ पे सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। अगर यहाँ पे आपको कुछ पेड़ पौधे उगाने हैं तो उसका सामान भी मिल जाएगा यहाँ पे आपको। अब देख सकते हो, पूरा घुमाइए। और अगर आप लोग फ्लावर शो घूमने आए हो, इनकेस अगर कोई इमरजेंसी होती है तो अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से यहाँ पे मेडिकल टीम भी अवेलेबल है। 24/7 यहाँ पे मेडिकल टीम रहती है, काफ़ी अच्छे लोग हैं। हमसे बात हुई, उन्होंने बोला कि कुछ भी प्रॉब्लम हो तो हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। जैसा आप लोग देख सकते हैं, हम लोग सेंटर ऑफ द फ्लावर शो खड़े हैं। यहाँ पे अटल ब्रिज है, अगर आप लोगों को टिकट खरीदनी है विद अटल ब्रिज तो 105 का पड़ेगा, और अगर विदाउट अटल ब्रिज लेनी है तो 75 का पड़ेगा। और मैं छोटा पांडा, चलिए वैसे ही बेसिकली बच्चों की आइटम है, बच्चों के लिए बनाया गया सर। आपको एक यहाँ पे प्यारी सी डॉल बताता हूँ जो अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने जो फ्लावर्स की डॉल बनाई, आप लोग देख सकते हैं। आप लोग शायद इसको देख तो सकते ही होंगे, केक के रूप में आप लोगों ने कभी इसको बनवाया भी होगा। हम लोग फ्लावर शो एंजॉय करके बाहर आ चुके हैं, पर आप लोग खास ध्यान रखिएगा, गेट नंबर 4 से और गेट नंबर 1 से एंट्री है। अगर आपको एग्जिट लेनी है तो गेट नंबर 3 से ही लेनी पड़ेगी। बाकी की बाकी सारी इन्फॉर्मेशन फ्लावर शो की आपको वीडियो में मिल जाएगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो फिर से लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय, थैंक यू सो मच।